ज्यादा ममलिकत के लिए रियासत कल्लात की खिदमात तारीख का हिस्सा हैं। खान ऑफ कल्लात ने पाकिस्तान के लिए अपने खजानों का मुंह खोल दिया। आकादर रिपोर्ट कर रही हैं। भारत की बेईमानी और पाकिस्तान को इसके हिस्से के माली वसाइल न मिलने की वजह से पाकिस्तान को अपने क्याम के फौरी बाद शदीद माली मसाइल का सामना था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मुमलिकत के लिए खजानों के मुंह खोल दिए। लोग बहुत गरीब थे, पाकिस्तान एक रियासत था उस वक्त, नया हमारे वजूद में आया था, तो पैसे के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड कह रहा था कि आप सोना और चांदी रख के हमारे पास, तो हम आपके लिए नोट छापेंगे। तो खान साहब ने फिर कायद अजम मोहम्मद अली जिना साहब ने कहा कि हमें कुछ डोनेशन चाहिए, तो उनको फिर उन्होंने डोनेट किया प्रेशियस जवाहर की सूरत में, सोना और चांदी की सूरत में। मुल्क की बदतर हालत देखकर खान ऑफ कल्लात मीर अहमद यार खान ने कायद अजम मोहम्मद अली जिना और माजरे मिल्लत फातिमा जिना को सोने चांदी में तोल दिया। खान ऑफ कल्लात के शाही दरबार में आज भी वो कुंडा मौजूद है जिसमें तराजू लटकाकर कायद और इनकी हमशीरा के वजन के बराबर सोना चांदी तोला गया। पाकिस्तान को अपनी एक मईशत बनाने के लिए जो है ना, जो रकम या जो भी जरूरत था, तो उस टाइम खान ऑफ कल्लात ने इसी कमरे में जो ये तराजू जो लगा हुआ है, यहाँ पे उनको नापतोल करके जितना उनका वजन था उतने ही वजन का उनको सोना। ये एक हिस्टोरिकल जगह है, मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशगवार एहसास हुआ क्योंकि कायद आजम का ये रूम जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कायद आजम यहाँ पर आए और उनको यहाँ पर जो सोने और चांदी में तोला गया। बुजुर्ग शहरी मीर मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि शाही दरबार में कायद के जेर इस्तेमाल अशिया भी मौजूद हैं। शाही में जो बनाए खान अहमद यार खान ने, इसका नक्शे भी खुद बनाया है, बहरी जहाज का नक्शे है और मस्जिद जो है वो लांच की तरह ये बनाया हुआ है। पाकिस्तान का क्याम हो या इसके बाद मुमलिकत को चलाने के लिए वसाइल की दस्तयाबी, कोई किसी से पीछे नहीं था, लेकिन तश्कील वतन में बलोचिस्तान के अवाम खास तौर पर शाही दरबार कल्लात का किरदार नाकाबिले फरामोश है। आगा कादिर, आज न्यूज़, कल्लात।